हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 20 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स अब लिटरेचर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है एनडीएमए के बारे में, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लेकर। तो हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको लेकर कंटेक्स्ट अभी आया है कि अभी इसकी मीटिंग है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वो हुई। तो हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था उसके तहत बनाया गया था, दिसंबर 2005 में बनाया गया था। तो ऑब्वियसली किसी एक्ट के तहत बनाई गई बॉडी, इसका मतलब अपेक्स और स्टेचुरी बॉडी है, मतलब किसी पार्लियामेंट में एक्ट के तहत इसको बनाया गया तो क्या हो जाएगी, स्टेचुरी बॉडी है। अपेक्स बॉडी का मतलब क्या हुआ, अपने तरीके से रेगुलेट है, वो की जा रही है। अब यहाँ पे बात आती है इसके हेड कौन होते हैं। देखो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। और अगर बात करें हम स्टेट में, क्योंकि स्टेट के अंदर आपको पता है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, तो उसमें वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली वहाँ के हेड है वो होते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि स्टेट में मुख्यमंत्री और सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री हैं, वो इसके हेड है वो होते हैं। अब हम अहम बात करते हैं कि इसका काम क्या है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो, देखो हमारे देश में कोई भी डिजास्टर आने वाला हो तो उससे पहले कोई मॉक ड्रिल वगैरह करनी हो ये काम, या फिर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना हो, जैसे कि रिसेंटली आपको पता है कुछ टाइम पहले तमिलनाडु में कुछ स्टेट में बाढ़ वगैरह आ गई थी, बॉम्बे वगैरह में, तो उन स्टेट के अंदर अगर कुछ भी काम करना हो तो वो गाइडलाइन वगैरह बनानी हो, तो ये सारे काम एनडीएमए के द्वारा किए जाते हैं। तो मतलब हमारे देश में डिजास्टर किसी भी तरीके का हो, चाहे आप उसको बोल सकते हो कि मैन मेड डिजास्टर हो या फिर नेचुरल डिजास्टर हो, इन दोनों ही तरह के डिजास्टर से निपटने का काम है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। अब देखो, बॉडी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि तो देखो यूपीएससी के जो एग्जाम पैटर्न में आपको पता है कि एनवायरमेंट का वेटेज काफी ज्यादा है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एग्जाम है वो भी सिविल की प्रीलिम्स के साथ ही होती है, इसलिए इन्वायरमेंट का वेटेज ज्यादा होता है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज है, ऐसे इशू काफी मतलब हाईलाइट रहते हैं, तो इसलिए इन्वायरमेंट संबंधी जो भी बॉडीज होती हैं या जो भी कोई काउंसिल वगैरह होती हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उनके बारे में जो फैक्ट्स वगैरह है वो हमें ध्यान में रखने हैं। हाँ, एक अहम बात यह है कि जो हमने टेलीग्राम ग्रुप की बात की थी, देखो व्हाट्सएप पे तो पॉसिबल इसी नहीं हो पाएगा कि व्हाट्सएप वगैरह एक्चुअली यूज नहीं कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम पे हम जो ग्रुप है वो बना सकते हैं। तो वो ग्रुप है या तो आज शाम तक या फिर कल संडे है तो कल के दिन बना के, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड है वो कर दी जाएंगी कि किस किस तरीके से कैसे हम वहाँ पे डिस्कस वगैरह है वो करेंगे। और इसी के साथ जो हमारी ये प्रीलिम्स सब्जेक्ट की डिस्कशन है इसमें भी हम कुछ चेंजेस है वो करेंगे, तो वो हम कल यहाँ पे देख लेंगे। अब हम देखते हैं आगे। आगे यहाँ पे बात ये आती है कि देखो नेशनल कोई भी प्लान बनाना हो डिजास्टर से निपटने के लिए, या कहीं भी स्टेट के साथ कोई कोऑर्डिनेट करना हो, जैसे आपको पता है कि तमिलनाडु में बाढ़ आई थी, इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में बाढ़ आई, जम्मू कश्मीर में भी कुछ टाइम पहले थोड़ी बाढ़ आई थी, उन एरियाज के अंदर अगर कोई कोऑर्डिनेट करना हो, सपोर्ट प्रोवाइड कराना हो, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो तैयार रहती है। या कोई कहीं मॉक ड्रिल करनी हो या फिर स्टेट के साथ कोई भी एक तरह से सहयोग हो, कोऑपरेशन करना हो, तो वो सारे काम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है धर्मा गार्डियन के बारे में। तो धर्मा गार्डियन है, ये बेसिकली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान में। इसका जो पहला एडिशन है वो मिजोरम में होने वाला है, तो ये ध्यान में रखना है कि धर्मा गार्डियन है वो इंडिया और जापान के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। फायदा क्या होगा, टेररिज्म से निपटने के लिए, इसके साथ ही आपस में कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ेगा। देखो इंडिया और जापान की मिलिट्री अगर एक साथ आएंगे तो उसका फायदा क्या होगा, जापान की मिलिट्री की जो स्किल्स हैं वो इंडिया को सीखने को मिलेगी, तो इंडिया भी वहां से ऑब्वियसली स्किल सीखेगा और जापान भी इंडिया की स्किल है वो भी सीखेगा, तो उससे आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। इसके साथ डिफिकल्ट एरियाज में किस किस तरीके से हमें मॉक ड्रिल वगैरह करनी होती है, कैसे हमें ऑपरेशन को अंजाम देना है, ये सारे बेसिक चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखना, इसका पहला एडिशन है वो इंडिया के मिजोरम में होने वाला है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है टनल रेलवे स्टेशन के बारे में। देखो इंडिया का जो पहला टनल रेलवे स्टेशन है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। लगभग 3000 मीटर की समुद्री हाइट है, उसके ऊपर बेसिकली इसको बनाया गया है। कहाँ पे, कौन से रूट पे, तो ये है बेसिकली बिलासपुर मनाली लेह लाइन पे, मतलब बिलासपुर से मनाली होते हुए लेह जो लाइन जाती है उस पे बेसिकली टनल रेलवे स्टेशन है वो बनाया गया है, जो कि 3000 मीटर की हाइट पे है और बेसिकली चाइना बॉर्डर के पास है। मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरीके से तिब्बत बॉर्डर हो गया वो, इंडिया तिब्बत बॉर्डर बोल सकते हो या फिर इंडिया चाइना बॉर्डर, उस बॉर्डर पे लगभग बॉर्डर से 120 किलोमीटर दूरी पे इंडिया की साइड बेसिकली ये टनल है, रेलवे स्टेशन है ये बनाया गया है, तो बस थोड़ा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है ICFRE, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। देखो कंटेक्स्ट क्या है पहले तो वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन है,
इसने भी एक प्रगति प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया, किसके साथ, एक एमओयू के साथ। कौन कौन? एक तो नवोदय विद्यालय समिति और एक केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस, इन दोनों के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया और उस एमओयू की हेल्प से इन्होंने एक प्रगति प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया। अब क्या था इस प्रगति प्रोग्राम का मोटो, थोड़ा वो देखते हैं। देखो प्रगति प्रोग्राम का मोटो ये था कि स्कूल के जो बच्चे हैं इनको इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर करवा जाए, नेचर के प्रति इनकी अट्रैक्शन है वो बढ़ाई जाए। इसके साथ ही इनको बताया जाए कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हो, उनको हम एक तरीके से सस्टेनेबल तरीके से यूज करें। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध तरीके से उनको यूज करें और उनको खत्म कर दें। हमें ऐसे यूज करना है जैसे हमारी डिमांड्स है उनके मुताबिक, कि नुकसान भी नहीं होना चाहिए उनका और ऐसा भी नहीं हो कि हमें उनकी मतलब कमी भी अखल रही हो। तो दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को फोकस यहाँ पे किया गया है। देखो स्कूल में जो बच्चे होते हैं अगर उनको इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर किया जाता है तो उसमें एक तो इन्वायरमेंट के प्रति इसकी नॉलेज है वो बढ़ता है, इसके साथ ही इन्वायरमेंट के प्रति बच्चे जागरूक होते हैं और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन होते हैं उनका वो प्रॉपर ढंग से यूज करने के तरीके के बारे में भी जानते हैं कि हाँ भी ऐसे ऐसे में नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका यूज वो करना है, हमें जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं इनको एक्सप्लोर नहीं करना है, अदरवाइज हमें काफी नुकसान है या हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है इसको काफी नुकसान संभालना पड़ेगा। तो ये बेसिकली प्रगति प्रोग्राम ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है, इस नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन इन दोनों के साथ मिलकर एमओयू के तहत प्रगति प्रोग्राम स्टार्ट है वो किया है। अब हम बात करते हैं आईसीएफआरई यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। देखो यह एक ऑटोनोमस काउंसिल है जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो आती है। काम क्या है इसका? काम ये है कि कोई भी गाइडलाइंस वगैरह होगी या फिर प्रमोशन हो गया या फिर एक तरह से कोऑर्डिनेशन है फॉरेस्ट्री रिसर्च के लिए, मतलब जंगल वगैरह में वन वगैरह के अंदर जो भी रिसर्च वगैरह होती है इसको प्रमोट करने का, इसके लिए गाइडलाइन वगैरह बनाना कि ऐसे ये गाइडलाइंस हैं, ये रूल्स हैं, इनके मुताबिक हम रिसर्च कर सकते हैं। कोई आदमी अगर वहाँ पे कोई ग्रुप है वो रिसर्च करना चाहता है तो उसको कोऑर्डिनेट करना, ये सारे काम आईसीएफआरई के द्वारा किए जाते हैं, मिनिस्ट्री ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति। देखो नवोदय विद्यालय समिति है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि मॉडर्न जो क्वालिटी की एजुकेशन है बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली सपोर्ट है वो करती है। मतलब स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय में उनको बेसिकली क्वालिटी की एजुकेशन है वो मिल सके, तो ये इसके लिए बेसिकली काम है वो करती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है जीआई टेक के बारे में, तो देख लेते हैं कंटेक्स्ट का। कंटेक्स्ट देखो ये है कि बिहार की जो शाही लीची है उसको अभी जीआई टेक है वो दिया गया है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जीआई टेक के बारे में जानते हैं कि थोड़ी शाही लीची के दो चार फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो पहले खैर हम शाही लीची के बारे में जान लेते हैं। देखो जो हमारे देश में जो लीची पैदा होती है उसमें लगभग 40% लीची है वो अकेले बिहार में ही पैदा है वो की जाती है। और बेसिकली बिहार में जो मुजफ्फरपुर जिला है वहां पे बेसिकली लीची वो काफी फेमस है और उन्हीं लीची को बेसिकली जीआई टेक यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया गया है। क्योंकि मुजफ्फर वेस्ट जो लीची है वो काफी फेमस है, वो अपने स्वाद के लिए, वो अपनी खुशबू के लिए, और इसीलिए उनको टेक है वो प्रोवाइड करवाया गया है। और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में लीची की डिमांड भी काफी अच्छी रहती है। अब इससे फायदा क्या होगा वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो जीआई टेक के कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। देखो हम बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमें बचपन से एक चीज का पता है कि आसाम की या दार्जिलिंग की चाय के बारे में बहुत जानते हैं कि दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। मतलब जो ही हम दार्जिलिंग की चाय का नाम सुनते हैं तो ऐसे लगता है क्वालिटी है। आसाम की चाय भी फेमस है नो डाउट, बट दार्जिलिंग की चाय ज्यादा फेमस है बेसिकली। क्योंकि अब देखो जीआई टेक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी एरिया के अंदर कोई वस्तु या तो वहां पे प्रोड्यूस की जा रही हो तो आर्टिफिशियल भी हो सकती है या फिर वो नेचुरल भी हो सकती है। तो अगर वो वस्तु वहां पे पैदा की जा रही है उसकी क्वालिटी को अगर इंश्योर करना है तो उसके नाम से जानी जाती है दार्जिलिंग की चाय। मतलब दार्जिलिंग के अंदर जो चाय पैदा होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहां का नेचर भी ऐसा ही है, जैसे कि आपको पता है बीकानेर भुजिया हो गए, इसके अलावा गुजरात जो आप वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला है उसको भी जीआई टेक मिला हुआ है। तो ये जो चीजें क्या है क्योंकि वहां की फेमस है कि केवल उसी एरिया की ज्यादा फेमस है, बाकी लोग इनकी कॉपी करके नहीं बेच सकते। अगर वो कोई भी इनकी कॉपी करके बेचेगा तो उसके ऊपर केस हो सकता है और वो एक्चुअली अलाउ है वो नहीं होता है। अब देखो इसका फायदा क्या होता है जीआई टेक का? जीआई टेक का मतलब हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब वो उस ज्योग्राफी के अंदर ही पैदा होती है तो वो वहाँ पे एक इंडिकेशन एक संकेत आ जाता है हमारे पास कि हाँ भाई बिहार की लीची इसका मतलब बहुत फेमस है, वहाँ की क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो एक अपने आप ही एक क्वालिटी है, ब्रांड है वो बन जाता है। फायदा इसका ये होता है एक तो वहाँ के जो भी एक बिजनेसमैन होते हैं उनको मार्केटिंग करने में ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता, अपने आप ही मार्केटिंग हो जाती है कि हाँ यार जैसे बासमती राइस का एग्जाम्पल ले लो। इसके अलावा बेटर प्राइस मिलती है, जो भी वहाँ पे छोटे छोटे किसान होते हैं उनको भी यहाँ पे अच्छे दाम मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड जब ऑब्वियसली जीआई टेक मिला तो इसका मतलब उस चीज की डिमांड ओवरऑल वर्ल्ड होने वाली है,
तो उसको कहीं ना कहीं क्वालिटी के मामले में काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे और फैक्ट के बारे में। तो थोड़ा तो एक हम ये जानते हैं कि जीआई टेक वो इंडिया में किस बेसिस पे दिए जाते हैं, और इसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पे जीआई टेक के बारे में हम जानते हैं। देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टेक, ये बेसिकली इंडिया में एक्ट है 1999 के तहत, जिसका नाम है गुड जीआई ऑफ, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्टर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसके तहत बेसिकली जीआई टेक है वो दिए जाते हैं। और हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत जो ट्रेड रिलेटेड जो उन्होंने कानून बना रखे हैं, जो कि ट्रिप्स है, जिसका नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके तहत भी जीआई टेक को परिभाषित किया गया, और वो भी जीआई टेक को मिला एक तरीके से क्लियरिफाई है वो करता है। और बेसिकली जब जीआई टेक एक बार मिलता है तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद उसको रिन्यू है वो करवाना होता है। और जो पेरिस कन्वेंशन है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है, वो भी बेसिकली जीआई टेक को एक तरह से क्लियरिफाई है वो करती है, या जीआई टेक है वो पेरिस कन्वेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसके तहत इंक्लूड है वो होता है। तो ये तो हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाना कि ट्रिप्स किससे रिलेटेड है, तो हमें पता चला कि ट्रिप्स है वो ट्रेड रिलेटेड जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनके लिए, जो कि WTO का एक एग्रीमेंट है, इंडिया ने इसको साइन है वो किया हुआ और रेक्टिफाई भी किया हुआ है। अब हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में किस तरीके से जीआई टेक है वो काम करता है। सबसे पहले तो बात आती है मिनिस्ट्री। देखो, मिनिस्ट्री कौन सी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि चाहे कॉपीराइट हो, चाहे जीआई टेक हो, ये सारे काम है ट्रेडमार्क संबंधित, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। अब हम थोड़े फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर है वो होती है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, इसके अंदर भी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जिसे बोलते हैं CGPDTM। और इसके अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस है जिसका नाम है इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस है, इसके द्वारा बेसिकली जीआई टेक है वो एक तरीके से मतलब डन किए जाते हैं। तो प्रोसीजर क्या होगी, मिनिस्ट्री हमने देख लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और उसके अंदर एक ऑफिस है, एक कंट्रोलर जनरल है जिसका नाम है पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, और उसके अंतर्गत इंडियन पेटेंट ऑफिस आता है जो कि बेसिकली जीआई टेक है वो देता है। तो हमने थोड़ी प्रोसीजर देख ली कि क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे इंक्लूड है वो है। अब हम बात करें कि इंडिया में जो पेटेंट ऑफिस है वो कहाँ पे है। देखो, इंडिया में जो पेटेंट ऑफिस है वो बेसिकली है चेन्नई के अंदर, तो यह हमें ध्यान में रखना है। जिसको हम बेसिकली दो चार उसके फैक्ट की अगर बात करें, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क है, इसका हेड ऑफिस है वो है चेन्नई में, तो वहां से जीआई टेक के बारे में जो भी मतलब वेरीफाई वगैरह वो सारे काम किए जाते हैं। तो हमने इंडिया के नजरिए से जाना कि कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा जीआई टेक वगैरह दिए जाते हैं, प्रोसीजर भी हमने यहाँ पे डिस्कस है वो की है। तो एक बार हम इन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, जो कि एक स्टेचुरी अपेक्स बॉडी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था 2005, उसके तहत इसको बनाया गया था। काम क्या है कि जो भी कहीं इंडिया में डिजास्टर आता है तो उससे निपटने के लिए सारे काम इसके द्वारा ही किए जाते हैं। इसके साथ एक्सरसाइज भी इसके द्वारा कंडक्ट है वो बार बार की जाती है। इसके साथ हमने देखा कि इंडिया और जापान के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्मा गार्जियन, वो बेसिकली मिजोरम में उसका पहले डिसीजन है वो डन हुआ है। इसके साथ हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में इंडिया का पहला टनल रेलवे स्टेशन है वो बनाया गया, मतलब जो टनल या गुफा होती है उसके अंदर के बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है वो बनाया गया है, जो कि बिलासपुर मनाली और लेह लाइन के ऊपर बना हुआ है, चाइना बॉर्डर के पास में ही। इसके साथ हमने देखा कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है, इसने नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ MOU के तहत प्रकृति प्रोग्राम स्टार्ट किया। प्रकृति प्रोग्राम का मोटो ये था कि भाई बच्चों को अवेयर है वो क्या जाए नेचर के बारे में, इसके साथ उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके सस्टेनेबल यूज के बारे में भी प्रमोट है, अवेयर है वो किया जा सके। इसके साथ हमने जीआई टेक के बारे में जाना कि शाही लीची है बिहार की, उसको जीआई टेक है वो दिया गया है, और हमने देखा कि फायदे क्या होंगे इसके साथ। और इंडिया के बारे में हमने जाना कि इंडिया में जीआई टेक के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है वो जिम्मेदार है, और इंटरनेशनल लेवल पे पेरिस कन्वेंशन ऑफ फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो भी जीआई टेक के लिए है, और इसके साथ ही WTO का एक एग्रीमेंट है जिसमें भी जीआई टेक की बात है वो की गई है, वो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको बेसिकली ट्रिप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। अब हम आज एक थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। देखो, अभी रिसेंटली वर्ल्ड पोस्ट डे था, तो वो बेसिकली यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन के द्वारा एक तरीके से मतलब उसको सेलिब्रेट है वो किया गया। अब यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है,
पहला स्टेटमेंट ये है कि यूनिवर्सल पोस्टल जो यूनियन है वो एक इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र एसोसिएशन मतलब ग्रुप है जो कि पोस्टल सर्विस प्रोवाइड कराता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इंडियन पोस्ट है वो यूपीयू का मेंबर है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि यूपीयू है वो विश्व का एक ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और यूएन के साथ सिंक है। तो ये आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है और उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जो गलत है उसको आपको सही करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।